श्रोताओ आइए श्रवण करें श्रावण मास महात्म्य 15वां अध्याय। श्री सनंत कुमार जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, मैं नागों का आश्चर्यजनक नागपंचमी व्रत आपके मुखारविंद से सुन चुका हूँ। हे देवेश, अब आप मुझे षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में बतलाइए। इस व्रत का नाम क्या है और विधान क्या है? भगवान शंकर जी ने श्री सनंत कुमार जी से कहा कि हे तात, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनायक उत्तम स्पोदन नाम का व्रत करना चाहिए। शिव मंदिर में अथवा घर में ही महादेव की पूजा करके दाल, आटा, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायन देना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में तुम्हें मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पुरोहित नामक एक राजा के यहाँ बहुत समय तक संतान नहीं हुई। उसके पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के द्वारा श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। लेकिन राजा इस पर भी पूर्वत तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मा जी ने दोबारा प्रकट हुए और राजा से कहा, राजन, तुम्हें जो पुत्र मैं दूंगा वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि अल्पायु पुत्र ही सही। एक तो उसकी प्राप्ति से वंध्यापन हट जाएगा और दूसरे इस लोक में अपुत्र होने की निंदा मिट जाएगी। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के यहाँ शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से किए। राजा, रोहित तथा रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मर जाने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। सनंत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा कि हे देवाधिदेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो मुझे बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, मृतक स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और यह कहना चाहिए कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। पहले सोने के अभुद्धिक कर अग्नि स्थापित तथा आघार वाज्य संज्ञक आदि आहुति देनी चाहिए। व्याहुतियाँ में हवन करके व्रत के अनुष्ठान के लिए फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विश्वदेव का घी से हवन करना चाहिए। विशिष्ट कृत हवन करके अवशिष्ट होम समाप्त करना चाहिए। देश काल का विचार करके हवन के पश्चात कहना चाहिए कि मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने के अभ्युदिक करके पीपल शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेप कर पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि स्थापना करके विवाह विधि द्वारा अघरांत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, कामचार विहूतियां से हवन करके विष्कृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। यथा विधि पीपल की डाल और मृत शव को जला देना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कोपीन और एक एक हाथ का या कर्ण मात्र का कृष्णाजित देना चाहिए। खड़ायु, छत्र, माला, गोपी चंदन मणि, प्रवाल माला तथा आभूषण समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार करने पर कोई विघ्न नहीं होता। भगवान शंकर जी ने श्री सनंत कुमार से कहा, हे सनंत कुमार, राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से श्रवण करके सोचा कि
यह अमुख अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह का मुख्य होना उचित है जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता। हे राजा हूँ और कोई इसको अपनी लड़की देगा, मैं उसे रत्न तथा बहुत सा धन प्रदान करूँगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण रहता था जो कि उन दिनों बाहर गया हुआ था। उसकी पहली मृत पत्नी से एक लड़की थी। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत सी दुष्ट थी। उसने डाह से तथा पैसों के लालच में राजा को लड़की देना स्वीकार कर लिया। उसने 1,00,000 रुपया नकद लेकर राजा को अपनी सौतन की 10 वर्षीय कन्या उसके मृत लड़के के लिए दे दी। उस लड़की को लेकर राजा ने सेवक शमशान भूमि में गए। उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस लड़की का विवाह किया और बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारी करने लगे। तब लड़की बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वह सब दुखी होकर बोले, यह तेरा पति है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। लड़की डरकर रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं, मैं तो यहीं इसके पास ही रहूंगी और जब यह उठेंगे इनके साथ ही जाऊंगी। लड़की का यह हट देखकर सब करुणा से अदृश्यचित होकर वहां से चले गए। उस समय बड़े बूढ़ों ने कहा, घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते। यह लड़की बिचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है, इसके तो भगवान रक्षक हैं। हमें मरे हुए राजकुमार और इस कन्या को हरगिज नहीं जलाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अब वह छोटी सी लड़की जो कि कुछ भी ना समझती थी शव के पास अकेली बैठी हुई रोने लगी और बार बार भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती को याद करने लगी। उधर दया सागर भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती भी बार बार उसको याद करने लगे और नंदी पर सवार हो तेजी के साथ उस बालिका के पास पहुँचे। बालिका ने जब भगवान श्री सदाशिव और भगवती पार्वती को देखा तो वह अपने स्थान पर से उठ खड़ी हुई और उन्हें प्रणाम किया। उसे भगवान तथा भगवती के आने से बहुत संतोष हुआ। उसने भगवान सदाशिव से पूछा, क्या मेरे पति जी उठेंगे? उसके सहस बाल भाव को देखकर कृपालु भगवान सदाशिव तथा पार्वती ने कहा, हे बालिके, तेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था। तेल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प करके तू उसे अपने पति को दे तथा मरे हुए पति से कह, मेरी माँ ने जो सुपोदन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। बालिका ने भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती के आदेशानुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती उस बालिका को व्रत करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं किस प्रकार यहाँ आया हूँ? बालिका ने शिवदत्त को सारी कथा कह सुनाई। उसी प्रकार रात बीत गई। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा से जाकर कहा, महाराज, आपका पुत्र तथा पुत्रवधु नदी के किनारे पर बैठे हैं। राजा सारा हाल सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे गाजे के साथ नदी के तट पर आया। जनता ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने पुत्रवधु की प्रशंसा की और कहा, आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक मंद बुद्धि अदम जीव हूँ। मेरी यह पुत्र वधु सौभाग्य और धन्य है। इसके इस जीव पुण्य से राजकुमार जी उठा है। राजा ने फिर उत्तम ब्राह्मणों को दान दिया और अर्चन किया। उसने मरे बालक को नगर के बाहर जाकर पुनः जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने के लिए निमित ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधान से शांति की। हे सनंत कुमार, मैंने तुम्हें सोपादन नामक व्रत के संबंध में बतलाया है। मनुष्य को चाहिए कि उसको 5 वर्ष करने के पश्चात उद्यापन करे। भगवान श्री
सदा शिव तथा भगवती पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करके चरु तथा आम के पत्तों द्वारा प्रातः काल हवन करना चाहिए। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुरी को जाता है। श्रावण मास महात्म्य 15वां अध्याय स्पोदन नामक व्रत समाप्त। ओम नमो नारायण। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी करें। हम आगे और भी उपयोगी वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विषय पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें, क्योंकि हम सभी कमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। धन्यवाद।